Good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित अवस्थी। आप लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सक्रेशन सिस्टम पढ़ लिया है, मेरा इंतजार यहां हो रहा है। मैं आप लोगों के मैसेज देख पा रहा हूं, लक्ष्मण, मनोज, हेमराम, लवर बॉय, लकी, ओम प्रकाश, रमा, पवन, रक्षा, राजेंद्र, अभी सभी साथियों का स्वागत। चलिए साथियों शुरू करते हैं। आप लोगों ने कितना पढ़ा, कितना आपके याद रह गया, उसी से अपनी आज की क्लासेस को शुरू कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, हमेशा की तरह जरूरी सूचनाओं में, आप में से जो भी विद्यार्थी मेरे साथ बहुत आराम से डिटेल में जनरल साइंस फॉर आरपीएससी पटवारी और पुलिस पढ़ना चाहते हैं, आप सभी का अन अकेडमी पर स्वागत है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से यह जान सकते हैं कि हम किस प्रकार का कंटेंट वहां शेयर कर रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए एक दो सैंपल कॉपीज आप लोगों के उपयोग के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल जीके बाई अंकित अवस्थी सर है, जिसका मैं लास्ट में आपको लिंक भी प्रदर्शित कर दूंगा, ठीक है। मेरा रेफरल कोड अंकित 10 है। किस प्रकार से क्लासेस परचेज करनी है ये वीडियो के मैं अंत में आप लोगों को समझा दूंगा। चलिए तो अभी हम अपना सेशन प्रारंभ करते हैं। आपके सामने पहला सवाल आप लोगों के लिए है और पहले सवाल को देखते हुए जल्दी जल्दी आंसर देते जाइएगा। जो कि उत्पादन करती हैं कि प्रक्रिया द्वारा कचरे को हटा दिया जाता है, पहली चीज तो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अब सवाल पूछा गया है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को जो क्या प्रोड्यूस करती हैं, जिसे कि कौन सी प्रक्रिया द्वारा हटा दिया जाता है। हाँ भाई अनिल भारती आंसर दो, अशोक कुमार आंसर दो, ओम प्रकाश सिद्ध मेरे बहुत बड़े फैन हैं, थैंक यू सो मच। साइड से कट रहा है यार, हाँ यार ये क्यों ऐसा हो रहा है, अब ठीक है। चलिए भाई सवाल को समझिएगा। सवाल कहता है कि मेटाबॉलिक अभिक्रियाएं जो हैं, जिनके माध्यम से गतिविधियां, जिनके माध्यम जो उत्पादित करती हैं, तो देखिए पहली चीज तो मेटाबॉलिक है क्या। मेटाबॉलिक का मतलब है पाचन प्रकार की अभिक्रियाएं, जिनके अंदर आप अपने शरीर के अंदर जो बड़े अणु हैं उन्हें छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। तो बड़े अणु छोटे अणु में टूटते हैं तो वो प्रक्रिया जो होती है वो मेटाबॉलिक प्रक्रिया है, उपापचयी की क्रिया है, जिसके अंदर जो उत्पादित होता है, क्या उत्पादित होता है, तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है नाइट्रोजिनस पदार्थ उत्पादित होते हैं, ठीक है ना। तो उनको किस प्रक्रिया द्वारा हटा दिया जाता है, तो स्वाभाविक सी बात है भाई कि अगर नाइट्रोजिनस उत्पाद पैदा होंगे तो उनको त्याग करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीशन का यानी कि उत्सर्जन तंत्र का उपयोग लिया जाता है। तो यहां पर उत्सर्जन, नाइट्रोजिनस उत्पादों को बाहर निकालने के लिए एक्सक्रीशन का उपयोग लिया जाता है। इसको मल त्याग ना कहकर के उत्सर्जन कहें तो ज्यादा उपयुक्त तो होगा, क्योंकि मल त्याग जो है वो पाचन तंत्र की अंतिम क्रिया होती है। तो आप इंग्लिश वाला ऑप्शन जो हमने लिखा है, बिल्कुल राजू, बबलू, विनोद, विश्वास, रक्षा, एकदम सही आंसर आ रहा है मेरे प्यारे साथियों का। द राइट आंसर इज डी, कि यह नाइट्रोजिनस उत्पादों को एक्सक्रीशन के माध्यम से बाहर निकाल देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ भाई, फ्लेम कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं, फ्लेम कोशिकाएं, सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। सवाल के अंदर पूछा गया है फ्लेम कोशिकाएं कहां पाई जाती हैं, किसके अंदर ये कार्य करती हैं, बताइएगा। सोहेल बाबू कह रहे हैं कि ही अप्रिशिएट माई हार्ड वर्क, थैंक यू सो मच, आपने रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि आप में से कई साथियों को लगता है कि बस ये तो बस खड़े हो गए पढ़ाने लग गए हैं, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं जो यहां पर करनी पड़ती हैं। हाँ भाई एक निठार वाल बॉय हैं जो लिख रहे हैं सर वाईफाई स्टडी के अंदर घुसकर पैर लागू। बहुत बढ़िया, चलिए भाई बताएं। राकेश कुमार आपका आंसर सही आ चुका है, त्रिभुवन गौतम आपका आंसर सही आ चुका है, ओम प्रकाश जी मेरे बहुत बड़े फैन हैं, राहुल कुशवाहा से मेरा वीडियो देखे बिना रहा नहीं जाता। हाँ भाई
उमेश बिल्कुल सही आंसर है, फ्लैट वर्म, बिल्कुल द राइट आंसर इज फ्लैट वर्म। ये हमने आपको पूरी लिस्ट लिख करके दी है, याद करिए मैंने आपको पूरा टाइटल लिख करके दिया था किस जीव के अंदर कौन सी चीज पाई जाती है उत्सर्जन के लिए। एकदम राइट आंसर है मेरे प्यारे साथियों। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी की कार्यात्मक इकाई है, ये भी हमने अच्छे से पढ़ाया है, किडनी की कार्यात्मक इकाई कौन सी है बताएं, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी जो पढ़ा है उसका रिवीजन देखिए। विक्रम जोगी, विश्व मीणा, बताइए किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन सी है। हाँ जी कृष्ण कुमार जी बिल्कुल, अब ये सबसे आसान क्वेश्चन था। बाबू जाट, दशरथ, आराधना, दिलीप, सियाराम, टीना, पिंकी, सुभाष, अशोक, एक्स्ट्रा मार्क, ये एक्स्ट्रा कार्ड, क्या क्या नाम लिखे हुए हैं बच्चों ने बतानी। हाँ भाई, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन इज द यूनिट, ये आपको पूरा मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, आपको मालूम होना चाहिए। दो किडनी होती हैं, एक किडनी के अंदर मिलियंस में जो है नेफ्रॉन पाए जाते हैं, एक मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। इनका कार्य रक्त को शुद्ध करना होता है। बताएं भाई किस अंग के कार्य ना करने के कारण रक्त में नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा हो जाते हैं। अगर कोई अंग कार्य नहीं कर रहा है तो नाइट्रोजन अपशिष्ट जमा हो रहे हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए पाचन तंत्र के अंदर दो प्रकार की चीजें हम लोगों के बाहर निकलती हैं। भाई पाचन तंत्र के अंदर भोजन को जब श्वसन के माध्यम से यूज कर लिया गया तो वो CO2 में परिवर्तित होकर के तो श्वसन के माध्यम से बाहर चला गया, तो प्रोटीन की वजह से जो अमीनो अम्ल बना था वो अमीनो अम्ल वाला जो उत्पाद है वो कहां से बाहर निकला, या फिर नाइट्रोजन में परिवर्तित होकर के जो नाइट्रोजनस पदार्थ हैं अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, वो कैसे बाहर निकले, तो उत्सर्जन से बाहर निकले। उत्सर्जन की यूनिट कौन थी, किडनी थी, यानी उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है मनुष्य के अंदर, किडनी से। किडनी के अंदर यूनिट कौन सी है, नेफ्रॉन है, तो किडनी के फेलियर की वजह से स्वाभाविक सी बात है यूरिन के अंदर वो बढ़ जाएगा, वो ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस पदार्थ बढ़ जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। तो सरिता, रूपल, पूजा, अजरुद्दीन, अमृता, राम प्रकाश, त्रिभुवन, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, किडनी इज द राइट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेशाब का रंग वर्तमान में के कारण होता है, ये वर्तमान नहीं है, इज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ, प्रेजेंट मतलब किसकी उपस्थिति के कारण। पेशाब का रंग के कारण होता है, इसको खाली लाइन समझ करके खाली आंसर करिए कि किस चीज के कारण यूरिन का रंग पाया जाता है, क्या होता है। यूरोक्रोम वर्णक के कारण, तो रोहताश कुमार आपका आंसर सही है, ईश्वर संकल्प बिल्कुल सही है, यूरोक्रोम वर्णक के कारण। हाँ भाई, आपको मालूम होना चाहिए प्लीहा के अंदर आरबीसियां खत्म होती हैं, वहां पर बिलीरुबिन विलीवर्डिन के अंदर टूटती हैं, उन्हीं से यूरोक्रोम वर्णक पैदा होता है जिसकी वजह से मेरे प्यारे साथियों यूरिन का रंग पीला होता है। चलिए नेक्स्ट, रंग शरीर के बाहर जारी नहीं होने तक शरीर के किस हिस्से में मूत्र जमा होता है, यानी कि मूत्र कहां एकत्रित होता है जब तक मूत्र बाहर फेंक नहीं दिया जाता। आपको मालूम होना चाहिए कि हमने किडनी के बारे में बात की थी, कहा था कि किडनी से, यहां से इस प्रकार से किडनी से जो यूरिन है वो कलेक्ट होता है इस जगह किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन में, और जहां पर कलेक्ट होता है उसके बाद एक पर्टिकुलर प्रक्रिया के द्वारा बाहर फेंक दिया जाता है, इसे तो हमने यूरेथ्रा कहा था। आपसे सवाल पूछा गया है इसे क्या कहते हैं, व्हाट इज दिस, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है जहां पर ये एकत्रित होता है उसे हम क्या कहते हैं। ये नलिकाएं क्या कहलाई थी, यूरेटर कहलाई थी, और ये जो था किडनी था आपके सामने है, आपसे सवाल पूछा जा रहा है व्हाट इज दिस, बिल्कुल सही आंसर है। प्रियंका, प्रकाश, सुमन, राम, संकल्प, लक्ष्मण, अर्चना, भारत, नीरज, बिल्कुल सही आंसर है, दिस इज द राइट आंसर। यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है इसे, जिसके अंदर यूरिन एकत्रित होता है, इस यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के माध्यम से यूरिन को बाहर फेंक दिया जाता है, बिल्कुल सही आंसर है भाई, शाबाश। तो इसका मतलब पढ़ के आए हैं सभी लोग, तैयार हैं इसका मतलब, है ना, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, तो बताइए कि पेशाब करने का जो आग्रह है, यानी यूरिनेट करने का, यानी यूरिन करते समय जो आपके मन में यूरिन करने की इच्छा जागृत होती है, मूत्र यानी लघु शंका जो है उससे निवृत्त होने की आपके मन में जो इच्छा जागृत होती है वो किससे नियंत्रित होती है, यानी कि वो आपका जो मतलब दिमाग के अंदर यूरिन जाने का जो सेंसेशन आता है वो किससे क्रिएट होता है। आपके सामने ऑप्शन है, किडनी कंट्रोल करती है, अरे किडनी में दिमाग होता है क्या जो सोचेगी कि भाई चल भाई मूत्रने जाना है, ऐसा तो नहीं है ना। इसी प्रकार से आपके सामने यूरेटर, मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी तो पहुंचाने का काम कर रही है, उसका तो काम केवल पाइप वाला है,
प्रेशर दबाव, तो भाई प्रेशर से थोड़ी ना चीजें मैनेज होती हैं। तो द मेन एस्पेक्ट इज कि यहां पर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि ये वाला जो प्रोसेस है मेरे प्यारे साथियों, अरे साइड में रख दो, हाँ भाई, तो यहां पर सी राधिका पी के विश्व वर्धन सुभाष पूजा लक्ष्मण बिल्कुल सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों। नर्वस सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से यह चीज मैनेज करता है। तो यानी कि किसके पास ये कार्य होता है, नर्वस सिस्टम के पास, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। हमारे शरीर में मूत्र का सही मार्ग क्या है, यूरिन का जो हमारे शरीर में रूट है वो क्या है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। राहुल कुशवा कह रहे हैं मेरे गूगल ट्रांसलेटर की बात ही कुछ और है। हाँ यार कुछ है ही भाई, अब मैं क्या करूं, मैं मेरी तरफ से जहां तक करेक्ट होने की चीजें हैं वो मैं कर देता हूं। भाई देखिए आप लोगों को जिस प्रकार से पता है, हाँ भाई प्रिंस कुमार जी धन्यवाद, तो आपको मालूम है ना भाई किडनी, किडनी के बाद कहा गया था, अरे भाई हटो, किडनी, किडनी के बाद कहा गया था आप लोगों के नलिका, मूत्र नलिका, मूत्र नलिका के बाद कहा गया था ब्लैडर, ब्लैडर के बाद कहा गया था यूरेथ्रा, यही तो पूछा गया है। यानी कि क्या पूछा गया है आप लोगों के पास, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा। तो अब देखिए क्या ऑप्शन निकल के आया, किडनी में गया फिर यूरिनरी ब्लैडर में गया, ये यूरेथ्रा, ये गलत हो गया। किडनी, यूरेटर यहां तक सही है, यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद यूरेथ्रा, तो दिस इज द राइट आंसर। अरे ये वाली फोटो दिखाई थी ना अभी, किडनी, यूरेटर, यूरेटर के बाद ब्लैडर, ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा, यूरेथ्रा थ्रा का मतलब थ्रो, थ्रो का मतलब फेंक दिया, ठीक है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मानव किडनी में बनने वाला पत्थर ज्यादातर इसमें कौन शामिल होता है, अपने किडनी के अंदर स्टोन पाया जाता है ना, उस स्टोन के अंदर कौन शामिल होता है, यह सवाल है आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है ना। संजना का खिल्लर का आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे भाई, हाँ भाई, तो ये बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, कैल्शियम ऑक्सीलेट, द्रुक्षम बानो आपका आंसर एकदम सही है। बच्चों एक चीज मान के चलना, कैल्शियम ऑक्सीलेट इज द राइट आंसर, मैं आपको बताता हूं। देखो एक चीज समझो, अपन टमाटर खाते हैं ना, टमाटर में होता है ऑक्सैलिक एसिड और दूध जो पीते हैं वो कैल्शियम रिच है। तो भाई आपको कई बार मालूम होगा कि जब आपकी किडनी में स्टोन होता है तो डॉक्टर आपसे कहता है टमाटर मत खाना, टमाटर मत खाना, दूध दही मत पीना, क्योंकि कैल्शियम आ रहा है, क्योंकि कैल्शियम दूध से आया और आपके टमाटर से क्या आया, ऑक्सैलिक अम्ल, तो ऑक्सैलिक अम्ल और ये दोनों मिलकर क्या बना लिए, ऑक्सीलेट बना लिए, जो स्टोन बन के किडनी के अंदर जम गए, है ना। तो आप लोगों से डॉक्टर उस समय मना करता है क्योंकि जो टमाटर है उसका ऑक्सैलिक अम्ल कैल्शियम ऑक्सीलेट बनाता है। बहुत बढ़िया रामचंद्र गुजर, आंसर देते जाओ बेटा। हाँ भाई, डायलिसिस प्रक्रिया किस पर आधारित है, डायलिसिस जो किया जाता है वो किस पर आधारित है। अब डायलिसिस को भी ध्यान से समझना, डायलिसिस का मतलब क्या होता है भाई, हमको मालूम है कि किडनी का काम क्या है, किडनी का काम यह है कि जो अपशिष्ट ब्लड है उस अपशिष्ट ब्लड को किडनी अपने पास शुद्ध करती है। शुद्ध करने का मतलब क्या हुआ, अपवाही और अभिवाही याद करिए, नेफ्रॉन के अंदर बोमन संपुट था, बोमन संपुट के बाद हेनले लूप था, मैंने कल पूरा पढ़ाया है, कल वाला वीडियो देख लो, मतलब जो प्रीवियस वीडियो गया उसको देख लो। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि वहां पर अशुद्ध रक्त जो है वो शुद्ध होता है, तो ऐसी स्थिति में डायलिसिस क्या करता है, जब किडनी काम करना बंद कर दे तो उस स्थिति में डायलिसिस पर ले जाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या बन करके आएगा, डायलिसिस जो प्रक्रिया है उसके अंदर क्या होता है, याद करो बेटा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इस प्रकार की एक संरचना पढ़ाई थी नेफ्रॉन के अंदर, जिसको आपने कहा था बोमन संपुट, याद आ गया, इसको हमने कहा था बोमन संपुट, और इसके अंदर कोशिका का गुच्छ उपस्थित था, तो गुच्छ उपस्थित था तो यह आपने कहा था ग्लोमेरुलस, क्या कहा था, ग्लोमेरुलस, जो यहां पर रक्त लेकर के आ रही थी वो थी अभिवाही नलिका, और यहां पर जो लेकर के जा रही थी वो थी अपवाही नलिका। मेरे प्यारे बच्चों अभिवाही ज्यादा लेके आई, अपवाही कम लेके गई, तो यहां पर प्रेशर क्रिएट हो गया, प्रेशर क्रिएट हो गया तो प्रेशर से चीजें छन करके निकलने लगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, डिफ्यूजन की वजह से, प्रेशर की वजह से डिफ्यूज हुई चीजें ज्यादा से कम की तरफ जाने लगी, ठीक है बेटा। तो यहां पर डिफ्यूजन की वजह से डायलिसिस की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दवा जो मूत्र के स्राव को बढ़ावा देती है क्या कहलाती है। आप लोगों ने यह चीज नहीं पढ़ी
होगी मैं बता देता हूं। साथियों आप लोगों को डॉक्टर दवाई देता है, तो एक होता है एंटी डाययूरेटिक, होता है डाययूरेटिक, तो जिसकी वजह से मूत्र बढ़ जाए वो कहलाता है डाययूरेटिक। यानी कई दवाइयां लेने के बाद टॉयलेट की फीलिंग आती है, दैट इज डाययूरेटिक। और ऐसी दवाइयां जिनकी वजह से टॉयलेट सेंसेशन ना आए वो एंटी डाययूरेटिक कहलाती हैं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो डिफ्यूजन आंसर कुमार, राकेश ने, लवर बॉय ने, संजना, राकेश, लक्ष्मण, रजस, बीरबल, इन सभी साथियों ने आंसर दे दिया है। हाँ भाई, डायलिसिस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मैंने अभी बताया कि डिफ्यूजन के लिए किया जाता है, डिफ्यूजन के माध्यम से किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? तो ये अभी मैंने आपको बता ही दिया भाई, किडनी फेल हो जाती है तभी तो डायलिसिस पे डाला जाता है ना। बिल्कुल सही आंसर है, तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी बता ही रखा है। हाँ भाई, पसीना आना जरूरी है, पसीने की वजह से क्या होता है, जो स्वेटिंग होती है ना वो क्यों जरूरी होता है, तो ये बताइए स्वेटिंग की वजह से होता क्या है। साथियों आपको पता होना चाहिए कि हम सभी लोग अपना टेम्परेचर फिक्स रखते हैं, बॉडी का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जो फिक्स होता है। गर्मियों के दिनों में जब हमको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो पसीना आता है, तो बेसिकली उस पसीने से क्या होता है कि आपने कभी एहसास किया हो तो पसीने के बाद चलने वाली हवा बड़ी ठंडी लगती है। समझने के लिए एक तरीका समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, तो असल में वो पसीना आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित कर रहा होता है। इस प्रकार से आप याद करिए कि प्रकृति ने आप लोगों को एक नेचुरल कूलर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे साथियों, टेम्परेचर कंट्रोल करने का यह कार्य करता है। तो शिवम, मनीष, सुनील, कर्मराण, नवल, प्रकाश, राकेश, आप सभी के आंसर एकदम सही है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, यूरिया के 1 ग्राम को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक पानी कितना होता है? देखो आपको याद होना चाहिए, मैंने 3 प्रकार के जीव बताए थे आपको, एक अमोनियोटेलिक बताया था, एक यूरियोटेलिक बताया था, एक यूरिकोटेलिक बताया था, याद आ गया? याद करो, अमोनियोटेलिक, 1 ग्राम अमोनिया को निकालने के लिए जो यूरिया की आवश्यकता है वो 500 ml थी। मैंने आपको बताया था 1 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए 50 ml पानी की आवश्यकता होती है। तो यूरिया कितने से निकल रहा है? 50 ml से। और अमोनिया कितने से निकलता है? 500 से 600 ml से। 500 से 600 ml से यूरिया निकलता है, यूरिया वो अमोनिया निकलता है। यही कारण है कि अमोनोटेलिक जो जीव होते हैं वो जलचर जीव होते हैं, जल में पाए जाने वाले जीव होते हैं। क्लियर? तो आपने धमाकेदार तरीके से आप चीजें सीख ली हैं। तो भाई साहब, ये विशाल, अमृता, सरिता, विक्रम, आरपी सिंह, रेखा, आरती, आसित, राम, शुभम, अभिषेक, ज्योति, हां भाई मजा आ गया हो तो एक बार थम्स अप कर दो। आप लोगों ने इतना सारा टेस्ट बढ़िया तरीके से 10-15 मिनट के अंदर टेस्ट दे लिया है, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, करंट अफेयर डाल दिया था बेटा मैंने, सुबह डाल दिया था। चलिए आप में से अब जो मेरे विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ करके कल टेस्ट देना चाहते हैं, तो मेरा टेलीग्राम पर टेस्ट आयोजित होगा 9:30 बजे करंट अफेयर का। टेलीग्राम चैनल है मेरा, ग्रुप है जीके भाई अंकित अवस्थी सर, और चैनल है अंकित अवस्थी सर। इस पर करंट अफेयर 2 से लेकर के 7 दिसंबर जो मैं पढ़ाता हूं ना सुबह, उसका टेस्ट हो रहा है। एक बार इंडिया लेवल का करंट है, तो जिनको टेस्ट देना है आ जाना भाई, 9:30 बजे टेलीग्राम चैनल पर लाइव होगा, ठीक है बेटा। चलिए दूसरी बात समझ लीजिएगा, इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथी, जो भी मेरे साथ जनरल साइंस डिटेल में पढ़ना चाहते हैं आरपीएससी के लिए, तो उन सबका स्वागत है अंकित अवस्थी के साथ पढ़ने के लिए। अभी रोजाना बायोलॉजी चल रही है और बहुत डिटेल में बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं बच्चों, बहुत समझा करके, बहुत आराम से, जितना क्लास कहती है केवल उतना देर तक ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। क्योंकि उनका कहना है कि सर आराम से पढ़ाइए, क्योंकि भविष्य में अभी एग्जाम हमारा थोड़ा दूर है, आप पढ़ाइए आराम से तसल्ली के साथ। तो भाई असल तसल्ली के साथ पढ़ाया जा रहा है। अगर आप मेरे साथ जुड़ करके जनरल साइंस पढ़ना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड है अंकित10, इसका उपयोग सुनिश्चित कर लें, ठीक है। तो आप लोगों के जनरल साइंस जो है मेरे प्यारे साथियों, उसके लिए रेफरल कोड है मेरा अंकित10, जिसको यूज करना है, ठीक है बच्चों। अब आपको सवाल बनता है, सर आपको यूज तो कर लेंगे लेकिन हमको क्या मिलेगा इसमें? तो भाई साहब, आप मेरा अंकित10 अगर रेफरल कोड यूज करते हो ना, तो इसकी वजह से जो आरपीएससी सेक्शन है उसमें चल रही जितनी भी क्लासेस हैं, पुलिस की चल रही है, पटवारी की चल रही है, इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों पुलिस पटवार के अलावा भविष्य में जो एग्जाम्स आएंगे, जैसे मान लो आरएएस भी आया, तो वो सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और मैं बताऊं आपको, आपको हिस्ट्री की क्लासेस वहां चल रही हैं, ज्योग्राफी की क्लासेस वहां चल रही हैं, आपके मैथ की क्लास वहां चल रही है, कंप्यूटर की वहां चल रही है, रीजनिंग की वहां क्लासेस चल रही हैं, मेरी क्लासेस वहां चल रही हैं जनरल साइंस की, आपके एग्जाम से पहले करंट अफेयर की क्लास आएगी, ये सारी क्लासेस आपको केवल एक रेफरल कोड अंकित10 आरपीएससी सेक्शन में लगाने से मिल जाएगा। अब कैसे लेना है मैं वो आपको सिखा देता हूं, कैसे लेना है तो वो प्ले स्टोर पर जाओ, अन अकेडमी लर्निंग ऐप सर्च करो, सर्च करके उसको इंस्टॉल कर लो।
इंस्टॉल करने के बाद यहां पर गोल दिए हुए हैं चूज योर गोल करके, इस गोल में जाओ, आरपीएससी सेक्शन पर पहुंच जाओ, आरपीएससी सेक्शन पर पहुंच के गेट सब्सक्रिप्शन में पहुंच जाओ, और गेट सब्सक्रिप्शन में पहुंच करके समझदार अगर हैं हम, क्योंकि हम जानते हैं आरपीएससी की नेचर क्या है, वो एग्जाम को भाई साहब तुरंत कराने की क्षमता रखती नहीं है, क्योंकि अब तक जितने भी फेलियर मारी है एग्जाम में, अब तक कई सालों से एग्जाम का पैटर्न आपको पता है, तो समझदारी हम लोग दिखाएं। तो अगर हम 12 महीने का अपन देख लें सिस्टम, तो इसमें क्या होगा, अगर मान लो एग्जाम टाइम पे हो भी गया तो आरएएस का बैच आएगा, तो वो भी आप इसमें पढ़ लोगे। 7,000 रुपए फीस है मान लो इसकी, है ना, 7,000 रुपए महीने भर, साल भर की फीस है। अब इसमें अंकित 10 रेफरल कोड लगा दोगे ना भाई, तो ये 6,300 रुपए का पड़ जाएगा यार, ठीक है। अगर आप 6 महीने का लेते हो तो वो देख लो भाई, राजस्थान पुलिस पटवारी वाले, तो ये 6 महीने में, मतलब जितनी भी बातें मैंने बताई आपको, वो 6 महीने की फीस 5,600 रुपए में, यार इतना सस्ते दामों पर आप लोगों को ये सारे टीचर पढ़ाने के लिए मिल जाएंगे। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ना, आप अंकित 10 लगाओगे तो 5,000 रुपए में 6,000, ये 5,000 रुपए में 6 महीने का कोर्स मिल जाएगा, और 6,300 रुपए में 12 महीने का कोर्स मिल जाएगा। तो आप लोग ज्वाइन कर लो भाई, प्रोसीड टू पेमेंट करके आप जाओ आराम से। मैं, मेरा टेलीग्राम चैनल है जीके भाई अंकित अवस्थी सर, जिस पर जो भी पढ़ाता हूं वो मैक्सिमम कंटेंट इस पर शेयर कर देता हूं, ठीक है ना। तो उम्मीद है मेरे प्यारे, आज मेरे द्वारा दी गई जानकारियां अच्छे से समझ में आ गई होंगी। एकदम मस्त रहिए, बिंदास रहिए, फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच।